शकील साहब के साथ आपने कितनी फिल्में की? शकील बदायूनी साहब जी, एज ए पोएट मेरे साथ बेचारों ने एक गहरा दाग की थी और एक फूल और पत्थर की थी। बाद में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मजबूरी से और दोस्त आए। शकील साहब और दूसरे गीतकारों में आपको क्या बुनियादी फर्क लगा? शकील साहब मेरे हिसाब से एक मासूम बच्चा था, वो तो बिल्कुल बहुत ही इमोशनल, बहुत हसमुख, छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाना, छोटी सी बात पे ठीक हो जाना, और कभी कभी एक दफ़े वो रवि से बहुत नाराज़ थे, कहने लगे मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, और ज़िद पकड़ ली। तो हम उनके यहाँ गए, हमने कहा रवि साहब, अपना शकील साहब, कल हम बैठे थे एक पार्टी में तो रवि साहब कह रहे थे शकील बदायूनी से बड़ा राइटर कोई नहीं दुनिया में, और आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा चलो उनके यहाँ चलते हैं। तो चल पड़े, तो दिल में उनके बेचारे कुछ नहीं था। पान कभी मुझे भी ग्लोरी खिलाते थे, एक उनमें कमज़ोरी थी, कॉकरोच से बहुत डरते थे। कॉकरोच को अगर देख लें तो वो एक किस्सा, वो बड़ा रवि साहब के घर में उनके बच्चों ने सोफे के पीछे कॉकरोच रख दिया, और जो गाना ख़त्म हो गया हमारा तो उन्होंने कहा कि ये शकील साहब आपके पीछे क्या है, तो आर्टिफिशियल कॉकरोच था, तो उस पर जो कूदे वो तो शीशे की टेबल थी, वो उनके घुटने पे लगी। तो ज़िंदगी में पहली दफ़े उनके मुंह से मैंने गाली सुनी थी। बहुत नेक, बहुत एक मासूम बच्चे थे वो, अच्छे पोइट तो थे लेकिन बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे लोग थे। शकील साहब का कोई ऐसा गीत जो आपको बेहद पसंद हो? देखिए शकील साहब एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कहानी के एतबार से अच्छा लगता है वो उसमें तो सभी अच्छे लिखते थे, जो कहानी के एतबार से अच्छा ना लगे तो उन्होंने तो कमाल कमाल लिखे हैं। लेकिन मेरी फिल्म, सारी फिल्मों में जिनमें भी उन्होंने लिखे हैं, जो मेरे करेक्टर या मेरा सीन या मेरी रिक्वायरमेंट थी उसमें पूरा उतरे हैं, तो मेरे को तो सभी अच्छे लगते हैं उनके। फिर भी कोई ऐसा एक गीत? अभी देखिए ग्यारह दाग में वो मिल गया गहरा दाग भी अच्छा था, और वो भी अच्छा था, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीन तो ज़मीन आसमां पा लिया है, वो भी अच्छा। सभी जो करेक्टर है ना, जो भी, मैं तो ये नहीं कह सकता ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिल्म चूँकि सादा पोइट्री चाहिए, उसने वो हर गाना मुझे उनका लिखा अच्छा।